नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे टेक्निकल अप्लाइंस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे ड्रिल मशीन के बारे में। जैसे कि दोस्तों आपको मालूम ही होगा कि ये हैमर हमारे पास ड्रिल मशीन है, इसको हैमर ड्रिल मशीन बोलते हैं। और इसमें जो बर्मा है, इसको बर्मा बोलते हैं, इसके अंदर लगाने के लिए होता है। ये इसका जो डिज़ाइन है, इसके हिसाब से बना होता है, और यही इसमें बर्मा फिट आता है। ये वाला बर्मा इसमें हम फिट नहीं कर पाते हैं, तो आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि आप इस बर्मे को इस ड्रिल मशीन के अंदर कैसे फिट कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, तो इसको तो हम आसानी से फिट कर लेंगे। यहाँ पर ये वर्किंग में रहता है, और अगर हम इसको फिट करेंगे तो ये फिट नहीं होगा, ये बाहर निकल जाता है। जैसे ये वाला जो बर्मा होता है, ये लॉक हो जाता है इसमें अंदर। जैसे हम इसको लगाएंगे और यहाँ पर ये लॉक हो गया, बाहर नहीं आएगा, तो इसको हम लॉक नहीं कर सकते। तो कभी कई बार क्या होता है कि कुछ जगह पे इसी बर्मे का इस्तेमाल होता है, और कुछ जगह पे इस बर्मे का इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये जो बर्मा है ये अपने दीवार के लिए होता है। तो यहाँ पे अगर लकड़ में कभी शेक करना हो, तो या कोई पतली जो परत है उसमें शेक करना, तो ये बर्मा जो है वो चीज़ को क्रैक कर देगा, तो इसलिए हमें इस बर्मे का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो हमारे पास अगर ड्रिल मशीन अलग से नहीं है, छोटी वाली जो होती है, तो हम इसी से ही ये वाला बर्मा इस्तेमाल करेंगे। कैसे करेंगे वो दिखाना चाहता हूँ। उसके लिए आप एक टूल मंगवाना पड़ेगा, हमने भी ऑनलाइन मंगवाया। आप अगर आप भी मंगवाना चाहते हो तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो वो टूल है ये आप देख सकते हैं। ये जो दूसरी ड्रिल मशीन होती है उसके आगे ये चीज़ लगी होती है, ये हमारी चीज़ इसके अंदर फिट हो जाएगी। तो इसके साथ हमें ये चाबी भी मिलती है, इसके हम टाइट और इसको लूज़ कर सकते हैं। तो इसको हम कैसे लगाएंगे, बहुत ही सिंपल है। इस बर्मे को हम बाहर निकाल लेंगे, और ये वाला डिज़ाइन है जो आप पीछे देख सकते हैं, इस डिज़ाइन को ये सेम इसी की तरह होता है। तो ये वाली चीज़ हमारी ड्रिल मशीन के अंदर फिट हो जाती है, तो ये फिट हो गया। उसके बाद सिंपल हम क्या करेंगे, बर्मे को यहाँ पे लगाकर सिंपल हम टाइट कर देंगे। तो ऐसे आप इसको कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको ड्रिल मशीन खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, काफ़ी बजट में मिल जाएगा आपको। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप मंगवा सकते हैं। तो ये फिट हो गया यहाँ पर, तो ऐसे आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। एक ही ड्रिल मशीन से आपसे दोनों काम हो जाएंगे। तो आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। आपका कोई भी क्वेश्चन आप हमें पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई मैं आपको जरूर दूंगा। तो वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।